हेलो दोस्तों, आज है तारीख 24 अक्टूबर 2024 और दिन गुरुवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सराफा व्यापारी का अपहरण, 6 घंटे में चुड़ाया, फिरौती में मांगे थे 10 लाख, 4 आरोपी नागपुर से गिरफ्तार। चलिए देखते हैं अगली खबर। 2 मोबाइल दुकानों पर क्राइम ब्रांच का सापा, एप्पल की नकली एसेसरीज बेचते पकड़ाए दोनों सांसद हिरासत में। ग्वालियर में क्राइम पुलिस ने एप्पल कंपनी की नकली एसेसरीज बेचने वाले 2 मोबाइल शॉप पर कार्रवाई की। तलाशी में चार्जर कवर सहित बड़ी संख्या में एप्पल के नकली एसेसरीज मिले। चलिए अगली खबर। 5 लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया सब इंजीनियर, बिल पास करने भाजपा नेता से मांगे 15.5 लाख रुपये, घूस लेने ठेकेदार के घर पहुँचा। खरगोन के कसरावद में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण का सब इंजीनियर राहुल मंडलोय 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। चलिए अगली खबर। छिंदवाड़ा में नाश्ते नाश्ते गज खाकर गिरा बुजुर्ग, कोसमा में ज्वारे विसर्जन की शोभा यात्रा में हार्ट अटैक से हुई मौत। चलिए अगली खबर। MP में पतंजलि 1000 करोड़ निवेश करेगा, CM ने कहा हेल्थ टूरिज्म डेवलप करेगा, रीवा में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क भी बनेगा। चलिए अगली खबर। हरदा के खेत में मिला मासूम बच्ची का शव, 5 साल की बहन बेचुद दोनों लेकर मंगलवार को निकले थे पिता को। चलिए देखते हैं अगली खबर। ग्वालियर में कबाड़ा व्यापारी के घर डकैती, सत के रास्ते घुसे बदमाश, कारोबारी पत्नी बच्ची को रस्सी से बांधकर लूटपाट। चलिए अगली खबर। नशे के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, युवक को पकड़कर कोतवाली पहुंचे बजरहा टोला के लोग। मध्य प्रदेश में डाना तूफान, अगले 24 घंटे में मचाएगा तबाही, जबलपुर रीवा समेत 15 जिलों में गिरेगा पानी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में पहली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण यूनिट पीतमपुर में शुरू होगी, CM मोहन यादव ने किया वर्चुअल भूमि पूजन। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की अगली खबर। रीवा रीजनल इंडस्ट्री कॉर्नवाल में 31,000 करोड़ के मिले प्रस्ताव, पतंजलि ग्रुप भी कर रहा है बड़ा निवेश। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।